अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आपका। मैं अभी को आउडी होंगे। सो दोस्तों, आपको मेरे ब्लैंकेट से देख के अंदाजा हो ही रहा होगा कि हमारे यहाँ पे इतनी सर्दी हो गई है और हमारे शहर चकवाल में आज इतनी बारिश हुई है और ठंडी ठंडी हवा भी थी, जिससे हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी हो चुकी है। और हमने तो फटाफट अपने मामा ने हमारे निकाल चुके हैं कोट वगैरह, कोट ही निकाले बस स्वेटर। और हमें स्कूल से भी हो गया कि अब आप स्वेटर लाए पहन गए। और अब आपको मैं असीब का भी हाल ले जाती हूँ, तो आए मैं आपका असीब का। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय दोस्तों, ये बाय बाय, सी यू, गुड बाय, ख्याल रखना दोस्तों। ये है असीब का हाल। असीब सर्दी है ना, बहुत सही सटी लगती है। मैं अभी किचन में बैठा हूँ और मामा करनी है कुकिंग। और मेरा सबसे पसंदीदा चीज मैक्रोनीज। और मैक्रोनीज तो भाई मेरी बिल्कुल, अब आप कहते होंगे कभी मैको कभी मैक्रोनीज, ये दोनों मेरे फेवरेट, मेरी जान से भी जीत मेरे हैं खाने। और अभी मामा वो बना रही है, मैं मामा के पास घंटे से बैठे हूँ कि मामा जी जल्दी बनाए। और अब मैं आपको अगले क्लिप में आपको मैं थोड़े से दिखाऊंगा हमारा मुर्गा, हमने आपको कैसे जिब्बा करवाया। और फिर आपको दिखाएंगे मैंने मामा के साथ ग्रोसरी में गया था और कैसे हमने शॉपिंग। हमारे घर भी एक दिन मुर्गा आया था, वो दादा बू के लिए देसी, पर वो होता ही है ना कि मुर्गा आता है ना तो फिर रात को उसकी केयर की जाती है। तो बच्चों देखो लगे वाले हाथ लगा नहीं चाहिए आज तो जनाब दिन में तो हो गया है हमारा मुर्गा जिबा, अब है रात हो गई है और हम जा रहे हैं मामा के साथ माल ग्रोसरी करने। तो दोस्तों ये है, अब हमेशा हमेशा मुझे भी आसीब जाते हैं। आज मैंने मामा को कहा मैं जाऊंगा
और जो अभी हम रिक्शे पर आए हैं दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं माल में, तो आएंगे जिनसे माल पर। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं माल में, मामा अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। मैं आपको तो पता है कि ये मेरे जैसे बच्चों का सबसे फेवरेट पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें उनकी खाने की चीज़ें होती हैं और उनकी उनकी भाई होती है। तो अब मैं भी यहाँ आ रही हूँ क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ, और मैं अब यहाँ मामा अपनी शॉपिंग करनी है कि मैं अपनी शॉपिंग। दोस्तों मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ अपने लंच की चीज़ें, यहाँ से लंच की चीज़ें। मामा हमेशा मुझे पिज़्ज़ा या शोरबा दे देती हैं, लेकिन आज अपनी पसंदीदा ड्राई फ्रूट लूँगा। और ये मैं लंच में लेकर जाऊँगा दालें, मैं वैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि दालें होती हैं इधर। मैं तो यहाँ से जैसे कि ले लूँगा कप केक वगैरह। तो फ्रेंड्स ये अब मामा की साइड आ गई है, मामा कह रहे मामा जल्दी जल्दी से अपना लें, फिर ऐसे ना हो मामा हमें भगाती रहती है शॉपिंग पे, शॉपिंग में नहीं दुकान पे। और ये मामा की चीज़ें, मामा को जो पसंद भी नहीं मामा को वही दे के दे रहे हो, जैसे कि अभी क्या पता लेना हो क्या पता नहीं। ये मैं कल स्कूल लेके जाऊँगा, एक ले लेंगे उठा के। तो दोस्तों मैंने कहा कि फिर से लेते हैं, लेकिन फिर ठंडा होगा तो यहीं से एक जूस लेते हैं, फिर बाद में ले लूँ कोई। और हमारे घर में देख तो माचिस का बहुत बनता है, तो मैंने मामा को ये भी कह के लाइटर ले ले। आपने देखा कि मैं पूरे माल को आपको दिखाया कि हम यहाँ से अपने महीने का खर्च लेते हैं, सौदा जो बहुत मज़े होता है, हर चीज़ें चावल चीनी दाल जैसी सारी चीज़ें। दोस्तों ये है हमारे घर एक बिल्ली के छोटे छोटे दो दो नन्हे नन्हे बेबीज, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अगर ये ना हो तो हम इसको दूध पिलाते रहते हैं, और अगर हो तो भाई इसने हमें देख अभी देख के गुस्सा आ गया। दोस्तों इसी तरह एंड करते हैं। दोस्तों आज की इतनी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अपना भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, सी यू।